रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, यानी रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल एक्टिविटीज प्रिपरेशन से लेकर के और रिस्क असेसमेंट के रिव्यू तक की जितने भी स्टेप्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब बताया था ना कि प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज करना, तो रिस्क असेसमेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। रिस्क असेसमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट। पहला स्टेप्स होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड। हैजर्ड जो भी वर्क प्लेसेस के हैजर्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन के तरीके के हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा स्टेप्स होता है सेकंड स्टेप्स। जब हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाता है तो एस्टिमेट करते हैं रिस्क को, उस हजार्ड से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है, हु माइट बी हार्म फ्रॉम दैट हजार्ड एंड हाउ, किस तरीके से नुकसान हो सकता है और किसको हो सकता है, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, ये 2 चीजें डिसाइड करते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेट द रिस्क, रिस्क का एस्टिमेशन करना। और थर्ड स्टेप होता है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिस्क को इवैल्यूएट करना यानी उसका मूल्यांकन करना। तो इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि रिस्क का जो मूल्यांकन किया जाता है वो पहले जो किया जाता था वो क्वालिटेटिव बेस पे किया जाता था, यानी रिस्क को जो बताया जाता था वो हाई, मीडियम, लो, वेरी हाई, तो इस तरीके से बताया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि क्वांटिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट हम लोगों के यहाँ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर करती है। तो क्वांटिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट में क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर RPN कितना है, यानी अगर 5x5 मैट्रिक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी जिसमें लाइकलीहुड हम 5 ले रहे हैं, 5 1 to 5 ले रहे हैं और सेवरिटी या कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग 1 to 5 ले रहे हैं, तो 5x5 को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम लोग को क्वांटिफाई करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी है RPN, कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5, 1 to 25 हम लोग उसमें बताते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में भी पहले हम लोग 3x3 मैट्रिक्स को फॉलो करते थे, यानी लाइकलीहुड को हम लोग 1 to 3 कहते थे कि 1 से लेकर 3 के बीच में हम लोग कैटेगराइज करते थे, और कॉन्सिक्वेंसेस को भी 1 से 3 के बीच में हम लोग कैटेगराइज करते थे। लाइकलीहुड 1 है, बहुत कम है, लाइकलीहुड 2 है, घटना घटित होने की संभावना ज़्यादा है तो 2 है, घटना घटित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो 3 है। कॉन्सिक्वेंसेस में भी अगर घटना घटित होने के बाद जो इंजरी होगी या जो घटना घटित होने के बाद जो चोट की जो घातक परिणाम है वो अगर कम है, फर्स्ट एड की है, छोटी मोटी चोट लगेगी उससे, तो हम लोग सेवरिटी 1 कहते थे। अगर थोड़ा ज़्यादा चोट लगती थी इसके लिए हॉस्पिटल तक जाना पड़े तो हम लोग 2 कहते थे, और तीसरा कहते थे कि बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी अगर होनी है उस चीज़ की वजह से तो हम लोग 3 उसको कैटेगराइज करते थे, यानी कि 3 नंबर देते थे। तो पहले 3x3 मैट्रिक्स को फॉलो किया जाता था, अब 5x5 मैट्रिक्स को फॉलो किया जाता है। तो इवोल्यूशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो इवोल्यूशन जो होता था यानी मूल्यांकन जो होता है किसी रिस्क असेसमेंट रिस्क का, तो पहले हम लोग क्वालिटेटिव बेस करते थे, हाई, मीडियम, लो में बताते थे, अब क्वांटिटेटिव बेस में करते हैं। तो क्वांटिटेटिव बेस में भी पहले 3x3 मैट्रिक्स को फॉलो किया जाता था, अब 5x5 मैट्रिक्स को फॉलो किया जाता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स क्या है, 5x5 मैट्रिक्स क्या है। फिर चौथा स्टेप्स होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। जो भी आपको मिला है, जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं, रिस्क का लेवल जो मिला है, वो सारे की सारी चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, रिस्क असेसमेंट के फॉर्म के ऊपर, जो रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। और फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है रिव्यू रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग एंड अपडेट एज नेसेसरी। रिस्क असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स मिली है, जो इम्प्लीमेंटेशन किया है हम लोगों ने, तो उसको हम लोग एक समय के बाद रिव्यू कर लेते हैं, है ना, और अपडेट करते रहते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नीड होती है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था
आइडेंटिफाई द हजार्ड, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। तो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक था कि वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन कर लेना, टीम बनाई और टीम को भेज दिया कि आप टूल्स का इंस्पेक्शन कर लीजिए, आप मशीनरी का इंस्पेक्शन कर लीजिए, आप वर्कप्लेसेस पे जा करके और जो अनसेफ कंडीशंस हैं उसको आप पता कर लीजिए, कुछ को भेज दिया कि इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए एम्प्लॉय से, किसी को कह दिया कि आप मटेरियल की जो हजार्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, किसी से कह दिया केमिकल के हजार्ड्स जो हैं वो सारे केमिकल्स जो भी केमिकल्स हमारे वर्क प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट वर्क फोर्स को, लोगों को, टीम मेंबर्स को डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज असाइन कर देते हैं और अपने असाइन किए हुए काम को वो जा करके करते हैं। तो वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि इम्प्लॉयज जो हैं उनसे जा करके, जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली जा करके हम लोग मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हजार्ड आपके काम में पाया गया या काम के आसपास पाया गया तो इसका कंट्रोल मेजर क्या लगाया जाए, किस तरीके से इसको सुधारा जाए जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो वो खुद बता देते हैं, एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करते हैं कि सर अगर इस तरीके से इसका, इस चीज़ का जो है वो समाधान किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होता है, इस तरीके का कंट्रोल मेजर अगर लगाया जाए तो ये हजार्ड जो है वो नुकसान कम पहुंचाएगा, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरीके से करने से उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ में हो जाता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं तो इस तरीके से उनको ओनरशिप फील होती है, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, उनके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर आता है और वो सेफ्टी को और ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन, डिवाइसेस के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, सप्लायर जो हैं वो मैनुअल हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर डिवाइसेस की पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हजार्ड्स, रिस्क लेवल और उससे बचने का जो कंट्रोल मेजर है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं, पीछे का डेटा निकाल लेते हैं कि कितने लोग पिछले साल बीमार हुए थे, किन किन चीज़ों से बीमार हुए थे, सीमेंट से हुए थे, डस्ट से हुए थे, है या कोई और भी बायोलॉजिकल एजेंट, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, कोई डिजीज तो नहीं हुई थी, या कितने नियर मिस हुए थे पीछे, कितने एक्सीडेंट माइनर हुए थे, कितने एक्सीडेंट्स डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी के हुए थे, ये सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम लोग निकाल के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो हजार्ड्स हम लोग के वर्क प्लेसेस के ऊपर बहुत से हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसको हम लोग उसकी चेकलिस्ट के थ्रू और पेपर पे लिख करके, उसको लिस्ट आउट करके हम लोग सारे हजार्ड्स को अपने पास में रख लेते हैं रिस्क असेसमेंट करने के लिए। एक वीडियो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, सिमुलेशन का वीडियो है, इसको आप प्लीज देखिए कि सेफ्टी विजिलेंस ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन साइट है, इसमें स्पॉट द हजार्ड सिमुलेटर, इसमें एक सिमुलेटर दिखाया जाएगा और डिफरेंट हजार्ड्स, डिफरेंट अनसेफ कंडीशंस, डिफरेंट अनसेफ वर्क एक्टिविटीज इसमें देखने को मिलेंगी और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से हजार्ड्स मिले आपको, कौन कौन से अनसेफ एक्ट मिले, कौन कौन से अनसेफ कंडीशंस आपने देखी, तो इसको आप राइट नाउ लिख भी सकते हैं, अभी लिख सकते हैं। तो आप पेन और पेपर अपना रेडी कर लीजिए और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। So as you watch the simulations records, how many hazards you see? जैसे आप देखिए तो पेपर पेन पर लिख लीजिए, बताइए कि कितने हजार्स आपने देखे हैं, कितने क्लिक्स फाइंड आउट किए हैं आपने, है ना। एक हजार जब देखते हैं तो इस सिमुलेटर्स के अंदर आपको हजार्स देखने हैं। ये कंस्ट्रक्शन की पूरी एक साइट है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर डिफरेंट हजार्ड मिलेंगे। कुछ कंडीशन में देखिए, व्हीकल्स पार्क है तो वो ठीक पार्क है, वो कोई इशू नहीं है कि रास्ते में पार्क कर दिया है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपको स्पॉट करना है, बताना है कि व्हीकल्स पार्क ऑन द अनऑथराइज्ड प्लेस के ऊपर एक व्हीकल्स पार्क कर दी गई है जो कि रास्ते को
ब्लॉक कर दिया है उसने, उसको थिन कर दिया है, पतला कर दिया है, तो ये भी एक अनसेफ कंडीशंस आपने देखी यहाँ पर। और आगे बढ़े तो डिफरेंट मैन पावर्स मिलेंगे, डिफरेंट लोग मिलेंगे। वर्क प्लेसेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दो बंदों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो मैंडेटरी पीपीज है, उसको नहीं पहन रखा है। जैसे हेलमेट है जो दूर से दिख जाता है, तो इसको इन्होंने नहीं पहन रखा है। और आगे बढ़ेंगे देखेंगे व्हीकल्स पार्क है, और यहाँ पर भी एक बंदा है जिसने पीपीज को नहीं पहन रखा है और नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा है वहां पर खड़ा होकर के। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सिग्नल मैन खड़ा हुआ है, चूंकि यहाँ पर मैकेनिकल लिफ्टिंग हो रही है, टावर क्रेन के थ्रू मटेरियल को हैंडल किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बंदा स्पॉट हो गया है, स्पॉट किया गया है, खड़ा किया गया है, और वो सिग्नल देता है कि आपको कब जाना है, कब रुकना है उस एरिया के अंदर, क्योंकि वो हजार्डस एरिया है जहाँ पर इंजरी या एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस मशीन के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो गार्ड है वो ओपन गार्ड है, यहाँ पर खुला हुआ है, अनसेफ कंडीशन यानी कि हजार्ड यहाँ पर मिला है। इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्कर है जो कि मैन होल्स के अंदर गया हुआ है, तो मैन होल्स के अंदर गया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया है। कन्फाइंड स्पेस एक डेडली प्लेस होता है, खतरनाक जगह होती है, वहाँ पर भी यहाँ पर पूरी सेफ्टी के प्रिकॉशंस यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक टूल्स सिर्फ दे रहा है यानी औजार पकड़ा रहा है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट एड की किट होनी चाहिए, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, ये एरिया बैरिकेड होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेचर्स अवेलेबल होने चाहिए, कम से कम दो बंदे होने चाहिए, ट्राईपॉड्स यहाँ पर होना चाहिए, उस ये हार्नेस पहने हुए होना चाहिए। ये पूरी कन्फाइंड स्पेस वर्क एक्टिविटीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक चिपिंग हैमर है, चिपिंग मशीन के थ्रू चिपिंग कर रहा है, और ये जब भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, बहुत तेज़ नॉइस निकलती है चिपिंग से, चिपिंग मशीन के थ्रू जब तोड़ा जाता है, और उसके साथ में डस्ट भी यहाँ पर निकलती है। तो ये जो वर्कर्स है, जो लेडी वर्कर है, इसने मास्क को यूज़ नहीं किया है और ईयर मफ नहीं यूज़ किया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ईयर मफ लगा रखा है, तो एक नॉइस यहाँ पर क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। इस जगह पर आप देखेंगे तो मटेरियल की जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा है, इतनी हाइट के तक मटेरियल को स्टैक नहीं किया जाता है, मटेरियल की हाइट की एक लिमिट बताई जाती है ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, उससे अधिक ऊंचाई पे स्टैक नहीं किया जाता है कि वो किसी के ऊपर गिर जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, करना होता है, तो वो एरिया पूरा का पूरा बैरिकेड कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। मटेरियल स्टैकिंग में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर तरीके से स्टेबल तरीके से मटेरियल स्टैक नहीं किया गया है। ये जो मटेरियल यहाँ पर है पायलट्स के साथ में, ये निकला हुआ है बाहर की तरफ। फॉर्कलिफ्ट जो है, जो ये फॉर्कलिफ्ट चल रही है और जो डिजाइनेटेड वे है इसका, उसी पर चल रही है, और ये बंदा जो है ये इस फॉर्कलिफ्ट के डिजाइनेटेड वे के ऊपर खड़ा हुआ है, वो भी बिना हेलमेट के। यहाँ पर भी इसने क्या है, अपनी पीपीस को हटा रखा है, अपने हेलमेट को नीचे उतार के रख रखा है, जबकि मैंडेटरी पीपीस को आप ऐसी जगह पर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मशीन रखी हुई, वेल्डिंग मशीन रखी हुई है, उसके वायर जो है वो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो ये बैड हाउसकीपिंग का एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर ये बंदा जो है, जो लाइन ऑफ फायर में है यानी कि सामने है, सस्पेंडेड लोड के पास में है, अनस्टेबल लोड ऊपर लटक रहा है और इसके पास में ये है, तो इसके रेडियस से दूर रहना चाहिए इसको। यहाँ पर गाइडलाइन भी नहीं बंधी हुई है, जब भी लोड ऐसे उठाया जाता है क्रेन के थ्रू तो एक छोटी सी रस्सी इसके अंदर बांध दी जाती है ताकि लोड अगर स्विंग हो रहा हो, भाग रहा हो, तो उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये गलत जगह पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर लूज मटेरियल ऊपर, अनस्टेबल लोड है उसके ऊपर जो कि इसके ऊपर गिर सकता है।
इस जगह पर एक्सकवेशन वर्क एक्टिविटी कर रहा है वर्कर, और जो बैरिकेड का जो एरिया था, इसकी जो टेम्परेरी बैरिकेशन था वो गिरा हुआ था, तो वहाँ पर भी एक्सकवेशन का वर्क कर रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था, पूरा का पूरा एरिया बैरिकेड होना चाहिए था, टेप लगा होना चाहिए था, कॉशन टेप यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर वाटरिंग कर रहा है बंदा, और उसी एरिया से एक बंदा निकल रहा है जो स्लिप हजार्ड कॉज कर सकता है, और जो वाटर है वो स्पिल हो करके अलग एरिया में जा रहा है, एस्काफोल्ड की तरफ जा रहा है। और ये एस्काफोल्ड देखिए यहाँ पर जो लगी हुई है ये सही तरीके से नहीं लगी हुई है, ये लटकी हुई है, ये किसी के ऊपर गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है, तो स्लिपरी एरिया के अंदर बंदा नहीं होना चाहिए, ये भी एरिया बैरिकेड होना चाहिए साइनेज बोर्ड के साथ। यहाँ पर एक देखिए कि मैन लिफ्ट है, ये मैन लिफ्ट है, और मैन लिफ्ट के ऊपर एक वर्कर खड़ा हुआ है जो कि लटक के काम कर रहा है, जो कि प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है, और उसने फुल बॉडी हार्नेस भी नहीं पहन रखी है कि इन केस अगर गिरता है तो वो फॉल अरेस्ट भी नहीं होगा और चोट लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्कर है जो कि मटेरियल को हैंडल कर रहा है, लंबा लोड है और अकेले हैंडल कर रहा है, इसमें दो बंदे कम से कम होने चाहिए थे, जिससे इसे मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर हो सकता है, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर क्या क्या होता है। आगे जाकर देख रहे हैं तो यहाँ पर मटेरियल को एक जगह पर बैड हाउस कीपिंग है, रास्ते को ब्लॉक कर लिया है, यहाँ पर सामान रख दिया गया है जबकि रास्ता क्लियर होना चाहिए। वर्कर ऊपर स्कैफोल्ड पे काम कर रहा है और उसके साइड से एक वर्कर निकल रहा है, जिस जगह पर भी हाइट पे काम होता है उसका जो नीचे का एरिया होता है उसको बैरिकेड कर दिया जाता है कि ऊपर से कोई औजार कोई सामान अगर गिरे तो किसी वर्कर के ऊपर ना गिरे। यहाँ पर एक वर्कर खड़ा हुआ है बिना पीपीज पहने हुए, खड़ा हुआ है वर्क प्लेस के ऊपर। यहाँ पर जो वर्कर खड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये सही तरीके से खड़े हुए हैं, इन्होंने फुल बॉडी हार्नेस पहन रखी है, यहाँ पर उसने जो उनका लैनयार्ड है वो प्रॉपर तरीके से टाई है, तो ये तो प्रॉपर तरीके से दोनों बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकम्प्लीट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए जो बंदे काम कर रहे हैं वो अनसेफ एक्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पाया गया है वो अनसेफ कंडीशन भी है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो सही होना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ पर हैंड रेल लगा हुआ है ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे भी हैंड रेल लगा होना चाहिए था, ये बंदे फुल बॉडी हार्नेस पहने हुए होने चाहिए थे, इनकी जो लैनयार्ड है वो एक स्टेबल मजबूत जगह पर एंकरेज पॉइंट पे हुक होना चाहिए था, ताकि इन केस ऑफ अगर ये इसका फोल्ड भी गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो ये वर्कर्स वहां पर फॉल अरेस्ट हो जाए, रुक जाए, नीचे ना गिरे। एक वर्कर यहाँ पर देखिए कि ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर रहा है, और एसले और छीनी और हथौड़ी से एक वर्कर यहाँ पर कॉलम को तोड़ रहा है, तो दोनों वर्क एक्टिविटी एक आसपास में हो रही हैं, और दोनों ने भी प्रॉपर तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को नहीं पहन रखा है। इसकी नॉइस से कानों के डिजीज को या डैमेज को या डीफनेस बहरेपन से बचने के लिए ईयर मफ या ईयर प्लग होना चाहिए था, आंखों में स्पेक्टिकल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ कोई कण आंखों में पड़ सकता है और डैमेज ऑफ आई हो सकती है। एक वर्कर वॉक करता हुआ चला आ रहा है, जो ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर जो प्लेटफॉर्म है, जो रास्ता है, वॉकवे है, उस पे एक होल है जो कि खुला हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। वर्कर उधर साइड में देख रहा है चलते हुए, और फॉल फ्रॉम हाइट हो सकती है, नीचे गिर सकता है, तो ऐसे जगह पर ये प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए था और ये एरिया बैरिकेड होना चाहिए था। ये नीचे उतरने वाला रास्ता है, वर्कर यहीं पर बैठ करके खाना पीना खा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। रास्ते में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, वर्क साइट के ऊपर बैठ करके खाना नहीं खा सकता है,
उसके लिए एक प्रॉपर डिजाइनेटेड कैंटीन बनी होती है। उस वर्कर को उस कैंटीन में जा करके प्रॉपर हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करते हुए वहाँ पर उसको खाने की परमिशन होती है। तो ये भी एक अनसेफ एक्ट किया है उसने। यहाँ पर देखिए ऑयल स्टोर करके रखा गया है ना, स्टोर किया गया है, स्टैकिंग ऑफ मटेरियल है। और ऑयल है वो कैसा ऑयल है ये तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि वो हाईली फ्लेमेबल है, जल ज्वलनशील है। लेकिन ऑयल अगर रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इसका रखने का एक पर्पस हो सकता है कि कौन सा ऑयल हो सकता है, तो डीजल की आवश्यकता पड़ती है क्रेन वगैरह को ऑपरेट करने के लिए या फॉर्कलिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। तो वही ऑयल हो सकता है जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। और जो ड्रम की स्टोरिंग की गई है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। यहाँ पर भी ड्रम लेटा हुआ रखा हुआ है, लाइंग लाइंग है, और ये भी ड्रम लाइंग है, यानी ऊपर लेटा हुआ रखा हुआ है, जो कि प्रॉपर तरीके से स्टैक होना चाहिए। जिस तरीके से नीचे वाले ड्रम्स को प्रॉपर तरीके से स्टैक किया गया है और उसको टाई किया गया है, ऐसे ही ये भी होने चाहिए थे। और उसी जगह पर वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल जोक्स, कोई भी गेम नहीं खेला जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉर्स प्ले। तो गेम है या कोई प्रैक्टिकल जोक्स है उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं किया जा सकता है। और ये वर्कर्स यहाँ पर कर रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं, जो कि अनसेफ एक्ट माना जाता है। इस जगह पर आप देखेंगे तो फॉर्कलिफ्ट है, फॉर्कलिफ्ट का जो फॉक है, फॉक के ऊपर एक वर्कर खड़ा हुआ है। तो किसी भी फॉर्कलिफ्ट के थ्रू किसी भी वर्कर्स को उसके फॉक पे नहीं उठाया जा सकता है। हाँ, अगर आपको उठाना ही है फॉर्कलिफ्ट को यूज करके किसी वर्कर को ऊंचाई पे पहुंचाना है, तो उसके लिए एक केज होता है, पिंजड़ा होता है जो स्पेशली डिजाइन होता है, और उसके अंदर अटैचमेंट कर दिया जाता है फॉक का, और उस केज के अंदर ये वर्कर खड़ा होकर के ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। ऐसे नहीं किया जा सकता है कि डायरेक्टली फॉक पे खड़ा हो जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिली, डिफरेंट हजार्ड्स, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन इस वर्कसाइट कंस्ट्रक्शन वर्कसाइट पे मिली। ये विजुअल जो हम लोगों ने देखा है, इसके अलावा भी जब कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो आपको हजार्ड और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्क प्लेसेस पे जा करके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे वर्क प्लेस इंस्पेक्शन भी कहा जाता है या सेफ्टी इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। तो ये पहला जो स्टेप्स होता है रिस्क असेसमेंट का, वो होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड, हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन। जब हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप्स आता है एस्टिमेट द रिस्क। एस्टिमेट द रिस्क में क्या होता है कि हम उस हजार्ड से पता लगाते हैं कि इस हजार्ड से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों को पता लगाना होता है कि इस हजार्ड से किसको नुकसान होगा और कैसे होगा, कितना हो, किसको होगा और कैसे होगा, ये दोनों बातें एस्टिमेट करना जरूरी होता है। कि फॉर एग्जाम्पल्स अगर कहीं पर गड्ढा है तो उससे, उस गड्ढे की वजह से किसको नुकसान हो सकता है। जो रोड यूजर होगा जाहिर सी बात है उसी को होगा जो उस जगह से निकलेगा, और कैसे होगा जब वहां पर वो ध्यान नहीं देगा, जब वो देख नहीं पाएगा, या वहां पर लाइट की कमी होगी, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, तो किसको नुकसान होगा, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, और कैसे नुकसान होगा, ये दोनों बातें हम लोगों को रिस्क असेसमेंट में लिखनी होती है, हु माइट बी हार्म एंड हाउ। ये रिस्क को एस्टिमेट करते हैं, फिर रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है, इवोल्यूशंस को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप्स था हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप्स इसमें होता है एस्टिमेट द रिस्क, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। तो जो नियरर क्लोज बंदा है या जो बंदा उस काम में इन्वॉल्व है, जो उस टूल से इन्वॉल्व है, जो उस मशीन और इक्विपमेंट्स में इन्वॉल्व है, या उसके आसपास के जो वर्कर्स दूसरा काम कर रहे हैं, उन्हीं को नुकसान हो सकता है। तो हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, तो यहाँ पर अगर हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ कहा जाए तो यहाँ पर ये वर्कर जो यहाँ पर काम कर रहा है, वर्कर्स वर्किंग नियर बाय द एक्सकवेटर, ही माइट बी हार्म एंड हाउ व्हेन द ऑपरेटर कैन नॉट सी दिस वर्कर। ऑपरेटर अगर इसको नहीं देख पाता है
और वो बकेट को यूं ही लगा करके और उठाने की एक्सकवेशन की पिट से कोशिश करता है, तो हो सकता है कि मल्टीपल इंजरीज हो जाए या सीरियस इंजरीज हो जाए इस वर्कर की या डेथ हो जाए। तो हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको नुकसान हो सकता है उस हजार से और कैसे हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक्सकवेटर खड़ा हुआ है क्रेवलर, तो यहाँ पर जो नियर बाई वर्कर्स खड़े हुए हैं इनको ही चोट लगेगी, ना कि वो बंदे को जो कि वहाँ पर वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हु माइट बी हार्म, किसको नुकसान हो सकता है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो अभी वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है वो उसको भी नुकसान हो सकता है, और बाद में आने वाले कुछ वर्कर जो उस जगह पर आ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर सिंगल पर्सन काम कर रहा है, हो सकता है इसका सुपरवाइजर भी यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि आसपास काम करने वाले वर्कर इसके पास में आ जाए। तो द वर्कर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सकवेशन ही माइट बी हार्म, नियरर बाय पर्सन जो नियरर बाय वर्कर्स हैं ही कैन आल्सो बी हार्म, एंड द सुपरवाइजर हु कैन कम लेटर ऑन टू चेक द वर्क, बाद में जो आएगा चेक करने के लिए ही आल्सो माइट बी हार्म। तो इस तरीके से हु माइट बी हार्म एंड हाउ, हाउ में कैसे होता है कि जब नेग्लेक्ट करेंगे सेफ्टी कोई जो वर्कर्स हैं, चाहे ये वर्कर हो, चाहे नियर बाई वर्कर हो जो आसपास काम कर रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या कोई विजिटर आया हो, तो वो भी नुकसान उठा सकता है। कैसे हो सकता है जब वो सारे बंदे जितने भी बंदे को बताया है अगर वो सेफ्टी को फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर वो हजार्ड्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो या जो ऑपरेटर है वो अगर ध्यान नहीं देता है, सिग्नल मैन यहाँ पर नहीं है, विजिबिलिटी उसकी क्लियर नहीं है, वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है बकेट के पीछे क्या है वो नहीं देख पा रहा है, तो इन कंडीशंस की वजह से हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ ये डिसाइड किया जाता है। फिर स्टेप थ्री, जैसा कि आपको बताया गया था कि स्टेप थ्री में होता है इवैल्यूएट द रिस्क। बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इवैल्यूएट द रिस्क का जो प्रोसेस आता है, रिस्क को इवैल्यूएट करना, उसको मूल्यांकन करना, लेवल क्या है, सीरियसनेस क्या है, चांस ऑफ अकरेंस कितना है, घटना घटित होने की संभावना क्या है। तो रिस्क को जब भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रिस्क दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लाइकलीहुड और सेवरिटी या कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले जो हम लोग करते थे, यानी रिस्क असेसमेंट जो होता है या रिस्क का जो इवोल्यूशन होता था, वो पहले क्या होता था कि क्वालिटेटिव बेस पे किया जाता था। हम लोग हाई मीडियम लो में बताते थे कि हाई है, लो लो मिलकर के लो बनाता था, लो मीडियम मिलकर के लो बनाता था, लो हाई मिलकर के हाई बनाता था। तो इस तरीके से हम लोग लाइकलीहुड हाई और लो में ही बताए जाते थे, इसको हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो वो क्वालिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट था। बाद में 3x3 मैट्रिक्स हम लोगों ने यूज करना शुरू किया कि घटना घटित होने की संभावना अगर बहुत कम है, सीढ़ी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है, बंधी हुई है, वर्कर्स को चढ़ने की ट्रेनिंग दे दी गई है और वो समझदार वर्कर है, तो गिरने की संभावना सीढ़ी से लो होती थी, यानी एक होती थी, और सीढ़ी की ऊंचाई भी बहुत ही कम है, एकदम छोटी सी ऊंचाई पे है, मुश्किल से 4 फीट की ऊंचाई पे उस पर काम करना है, तो गिरने के बाद उसको चोट लगने की जो गंभीरता है वो भी बहुत कम होती थी। तो 1 और 1 माना जाता था, लाइकलीहुड 1, कॉन्सिक्वेंसेज 1, तो क्या आता था, रिस्क क्या आता था कि 1 आता था, यानी लो आता था। ये हम लोगों ने जब कैलकुलेट करना शुरू किया क्वांटिटेटिव बेस पे, तो उसे क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट कहा गया। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि 1x3 का लाइकलीहुड, 1x3 का कॉन्सिक्वेंसेज या सीरियसनेस या सेवरिटी हम लोग मान के चलते थे, और इसी के आधार पे हम लोग बताते थे कि रिस्क लेवल क्या है। जैसा कि पहले आप देख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप डिस्कस भी कर चुके हैं कि हैविंग आइडेंटिफाइड द हजार्ड, जब एक बार हजार्ड आइडेंटिफाई हो जाता है एंड डिसाइड कर लेते हैं हु माइट बी हार्म एंड हाउ, जब डिसाइड कर लेते हैं कि इस हजार्ड से किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे नुकसान पहुंचेगा, तो हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर इवेल्यूएट करते हैं, जिसमें हम लोग लाइकलीहुड की प्रायोरिटी देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज की प्रायोरिटी देते हैं, कि प्राथमिकता देते हैं कि हाई है कि मीडियम है कि लो है, किस तरीके का है, इस तरीके से हम लोग रख करके और रिस्क असेसमेंट करते थे या रिस्क को इवेल्यूएट करते थे। बाद में लेटर ऑन क्या हुआ कि उसी चीज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और 5x5 मैट्रिक्स को यूज करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो लाइकलीहुड भी 1x5 यूज करने लगे। 1 क्यों मानते थे इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 क्यों मानते थे, कैसी कंडीशन होगी जिसको हम लोग 1 मानेंगे,
कैसी कंडीशन होगी जिसमें हम लोग लाइकलीहुड 2 मानेंगे, कैसी कंडीशन होगी जिसमें लाइकलीहुड 3 मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से कैसी कंडीशन होगी जब हम लोग लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को 1, 2, 3, 4, 5 में हम लोग मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जिसको आगे हम लोग और भी ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे इस तरीके से। फिर रिव्यू एंड कंट्रोल ऑलरेडी इन प्लेस, जब भी हम लोग किसी काम का रिस्क असेसमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो काम पहली बार तो हो नहीं रहा है, और हमसे पहले भी सेफ्टी ऑफिसर रहे होंगे और उन्होंने भी रिस्क असेसमेंट किया होगा उस काम का, तो उस काम में पहले से ही कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर लगा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, पहले से लगा हुआ कंट्रोल मेजर। जो पहले से कंट्रोल मेजर लगा हुआ है, उसके बाद भी अगर कुछ रिस्क बचा हुआ है, रिस्क लेवल आपको ज्यादा लगता है, तो आप उस पर फर्दर कंट्रोल मेजर और भी लगा सकते हैं जो कि अभी तक के नहीं लगाया गया था। तो हम लोग फर्दर कंट्रोल मेजर लगा देते हैं। कंट्रोल मेजर वही होते हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज टू रिव्यू कंट्रोल ऑलरेडी इन प्लेस। जो कंट्रोल मेजर पहले से लगा हुआ है उसको हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे, इस बार देखेंगे, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, चेक करेंगे और ये जांच करेंगे कि वो जो कंट्रोल मेजर था वो इफेक्टिव है कि नहीं है। उसकी वजह से हजार्ड्स जो है वो एक जो परमिसेबल लिमिट बताई गई है कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, उसमें है या उससे भी अधिक है, तो हम उसी कंट्रोल मेजर को फॉलो करते हैं कि एलिमिनेशन की कोशिश करते हैं कि हजार्ड्स एलिमिनेट हो जाए, या एलिमिनेट नहीं हो सकता है तो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाते हैं उसके ऊपर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उस वर्कर्स को। तो जैसा कि यहाँ पर एक फॉर्म आप देख सकते हैं कि हजार्ड एंड एक्टिविटी, यहाँ पर पहला कॉलम है कौन सा हजार्ड है, इस हजार्ड से हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट कंट्रोल मेजर कौन सा लगा हुआ है, फिर यहाँ पर फर्दर कंट्रोल मेजर आप कौन सा लगा रहे हैं, और जो कंट्रोल मेजर आप लगा रहे हैं यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिस्पॉन्सिबल पर्सन की है, सेफ्टी सुपरवाइजर की है कि सेफ्टी ऑफिसर की है, या सेफ्टी मैनेजर की है, जैसी मैनेजर की है, या फाइनेंस मैनेजर की है, जिस बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वहाँ पर ये लिखा जाता है इसमें। तो हजार्स को आइडेंटिफाई किया, डिसाइड किया हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, प्रेजेंट कंट्रोल मेजर कौन कौन से लगे हुए हैं, फर्दर कंट्रोल मेजर और कौन कौन से आपने लगाए हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आपको दिखाया गया है, इससे भी अच्छा कंट्रोल मेजर का जो फॉर्मेट होगा, रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट होगा, वो आपको और भी दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं, कमियां इस तरीके से नजर आ रही हैं कि पहली चीज तो हजार्ड्स कौन सा था ये ठीक है, डिसाइड कर लिया हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ ये भी ठीक है, प्रेजेंट कंट्रोल मेजर कितना कौन सा लगा है, एक लगा है, दो लगा है, तीन लगा है कंट्रोल मेजर। फिर यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ होना चाहिए कि इस कंट्रोल मेजर को लगाने के बाद रिस्क का लेवल कितना है, लाइकलीहुड का एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हम नंबर लिख सकें कि लाइकलीहुड 1 है। कॉन्सिक्वेंस का एक कॉलम होना चाहिए जिसके ऊपर हम 1 से लेकर 5 के बीच में कोई सा भी कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे, और यहाँ पर रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर RPN लिखा होना चाहिए, उसका एक कॉलम होना चाहिए कि रिस्क का RPN रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर कितना है, वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। फिर फर्दर कंट्रोल मेजर लिखा होना चाहिए, फर्दर कंट्रोल मेजर के बाद फिर लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस और RPN रिस्क का जो है वो कॉलम होना चाहिए, फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए, ताकि हमको पता चले कि प्रेजेंट कंट्रोल मेजर लगाने पे रिस्क का लेवल कितना है और हम फर्दर कंट्रोल मेजर लगा करके रिस्क को कितना कम कर रहे हैं। ये फॉर्मेट कंप्लीट फॉर्मेट तब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको ये लिखा गया है। आप जब रियल फॉर्मेट को देखेंगे तो वो इससे भी ज्यादा अपडेटेड और अच्छा मिलेगा आपको। तो ये 4th स्टेप है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, और 5th स्टेप में आता है कि रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। जब रिकॉर्ड करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। 4th स्टेप में जो रिकॉर्ड किया है, जो कंट्रोल मेजर रिकमेंड किया है, वो आपको क्या करना है, बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है यहाँ पर, वो उस फर्दर कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। अच्छा फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें और भी बढ़िया चीजें मिलेंगी। हम लोग टॉप मोस्ट फॉर्मेट को प्रीफर करते हैं, जिसपे प्रैक्टिस करेंगे वो टॉप मोस्ट फॉर्मेट होगा। और 5th स्टेप हमारा होता है, 5वां स्टेप जो होता है वो हमारा क्या होता है
कि रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो जो रिस्क असेसमेंट पहला था वो पुराना तो नहीं हो गया। तो किन किन कंडीशन पे हम लोग रिस्क असेसमेंट को दोबारा रिव्यू करते हैं और अपडेट करते हैं। कहा कि अगर रिस्क असेसमेंट का टाइम पूरा हो गया, जैसे एक साल के लिए रिस्क असेसमेंट किया था और आपने उस फॉर्म पे डेट लिखी थी कि आज फॉर एग्जांपल 12 थी, तो 12 जून को अगर आपने रिस्क असेसमेंट 2024 में किया था, तो आप 12 जून 2024-25 में आप फिर से आप उस रिस्क असेसमेंट को दोबारा करेंगे। तो इस तरीके से जब आप पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, तो रिव्यू डेट के अकॉर्डिंग आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर कोई उस जिस जगह पर जिस काम के अंदर हम काम कर रहे थे उसमें कोई माइनर या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हम लोगों को रिव्यू करना पड़ता है। अगर मशीन या टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव किया जाता है या रिपेयर किया जाता है या नई मशीन आएगी या ना काम का जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, तो फिर से हम लोग रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर लेते हैं। या कोई ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है, लॉ बदल जाता है, कानून में कुछ अपडेशन हुआ है, तो हम उसको रिस्क असेसमेंट दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू करने की कंडीशंस कई होती हैं और ये कई कंडीशनों को सामने ध्यान में रखते हुए हम लोग टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप हमारा था कि जो है वो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द रिस्क, रिस्क को कंट्रोल करना, किस तरीके से रिस्क को हम लोग रिड्यूस करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कंट्रोलिंग द रिस्क, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क, रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। तो पहली चीज तो है कि रिस्क को जितना संभव हो सके उतना कम करने की कोशिश की जाती है, जितना संभव हो सके। असंभव बात नहीं की जा रही है यहाँ पर कि रिस्क को जीरो कर दिया जाए, ऐसा असंभव है, लेकिन क्या कहा जाता है कि रिड्यूस द रिस्क एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल लिख दिया है, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल लिखने का रीजन यही होता है कि जितना संभव हो सके उतना कम कर दो, संभव। तो हम लोग ये जानते हैं कि एज वी नो द रिस्क इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हम ये जानते हैं कि जो रिस्क होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस का। कि जब हम लोग रिस्क को पढ़ रहे थे तो देखा जाता था कि रिस्क का लेवल कैसे पता चलता है, जब इवोल्यूशन करते हैं रिस्क का तो हम लोग क्या करते हैं, लाइकलीहुड को काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकलीहुड एक निकला है, कॉन्सिक्वेंसेस भी एक निकला है, किसी काम के हजार्ड को देखा था, उसके रिस्क लेवल को जांच रहे थे, तो एक वन इंटू वन इज इक्वल टू वन होता है। तो रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेस, लाइकलीहुड गुणा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो एक लाइकलीहुड दिया था, एक कॉन्सिक्वेंस दिया था। ये एक क्यों दिया जाता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक किस कंडीशन में देंगे, दो किस कंडीशन में देंगे, चाहे लाइकलीहुड हो चाहे कॉन्सिक्वेंसेस हो, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइकलीहुड को अगर एक दिया था आपने, कॉन्सिक्वेंसेस को एक दिया था, तो एक इंटू एक इज इक्वल टू वन होता है। तो यानी कि रिस्क जो है वो वन निकला है, वन एक्सेप्टेबल में आता है और आप काम को करा सकते हैं। हाँ, कहीं पर बढ़ के आता है, अगर लाइकलीहुड 3 दिया है आपने और कॉन्सिक्वेंसेस 5 दिया है, तो आप 5 × 3 = 15, 15 आएगा। तो 15 में जा करके देखेंगे तो लिखा रहेगा कि इसको और भी कम करने की कोशिश करिए, यानी कि मिनिमाइज द रिस्क इफ इट इज पॉसिबल, अगर संभव है तो इसको और कंट्रोल मेजर लगा करके कम करने की कोशिश करिए। तो कम किस तरीके से किया जाता है, देयरफॉर टू रिड्यूस द रिस्क we have to reduce the likelihood of occurrence of a hazardous event. अगर सीढ़ी का examples की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीढ़ी से कोई व्यक्ति के गिरने की संभावना को अगर हमको कम करना है, तो सीढ़ी मजबूत जगह पर लगाइए, लगा करके एंगल सही उसका सेट करिए, ऊपर बांध दीजिए, नीचे बांध दीजिए, एक स्टैंड बाय में आदमी खड़ा कर दीजिए, उस एरिया को बैरिकेड कर दिए, कोई ठोकर ना लगे, वहां पर लाइटिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए, चढ़ने वाले व्यक्ति को खूब अच्छे से ट्रेनिंग दे दीजिए कि चढ़ते समय हाथों को भी चेक कर लेना, 3-point कॉन्टेक्ट को मेंटेन कर लेना, कोई ऑयल एंड ग्रीस अगर जूते में मिट्टी लगी हुई है तो उसको साफ कर लेना, स्लिप होने की वजह से गिरेंगे। तो ये आपने क्या किया, लाइकलीहुड को कम किया। और कम करना है तो ऊपर आपने एक
उस बंदे को हार्नेस प्रोवाइड कर दी, फुल बॉडी हार्नेस, ऊपर एक एंकरेज पॉइंट बना दिया है ले जाकर के, उसने अपने लैनयार्ड के हुक को वहां पर फंसा दिया है। अब क्या होगा, गिरने की संभावना बहुत ही कम कर दिया है, इतनी कम कर दिया है कि अगर कोई नीचे से सीढ़ी भी निकाल के लेके चला जाएगा तो भी वो बंदा हार्नेस के थ्रू लटका रहेगा और गिरेगा नहीं। तो घटना घटित होने की संभावना, लाइकलीहुड को आपने बहुत कम कर दिया। दूसरी, कॉन्सिक्वेंस को कम करना है, तो कॉन्सिक्वेंस तो कम तभी होगी जब ऊंचाई को कम कर दीजिए आप सीढ़ी की, यानी वर्कर्स 50 फीट पे था तो उसको आप 5 फीट पे ले आइए, तो जब चोट लगेगी तो कम लगेगी, 50 फीट से गिरेगा तो बहुत चोट लगेगी। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सकता है जहां संभव हो, जैसे लाइकलीहुड को कम कर सकते हैं तो भी रिस्क कम होगा, कॉन्सिक्वेंस को कम करेंगे तो भी संभव होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस की वजह से, ये तो आप उसकी हाइट को कम कर दीजिए, तो कहेंगे नहीं हाइट तो नहीं कम कर सकते सर, वरना नीचे आ जाएगा तो काम कैसे करेगा। तो नीचे फर्श की जगह पर आप गद्दे बिछा दीजिए ताकि गिरे तो कम चोट लगे, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज इससे कम हो जाएंगे, है ना। तो कहीं पर जहां पर जिस जगह पर लाइकलीहुड कम हो सकता है, लेकिन ये मान लीजिए आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि 88% केसेस के अंदर, 88% केसेस के अंदर हमेशा लाइकलीहुड ही हर जगह पर कम किया जाता है, जो कि संभावित होता है कि संभवता उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कॉन्सिक्वेंस को कम किया जा सकता है। ज्यादातर केसेस के अंदर 88-80% केसेस के अंदर लाइकलीहुड ही कम किया जाता है। तो लाइकलीहुड को कम करेंगे तो भी रिस्क कम हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस को कम करेंगे तो भी रिस्क कम हो जाएगा, और लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों को जब कम करेंगे तो भी रिस्क कम हो जाएगा। जैसे सीढ़ी का ही एग्जाम्पल दिया जाए अगर, कि सीढ़ी को अच्छे से लगा दिया, सीढ़ी को टाई कर दिया, बांध दिया है, सीढ़ी की मजबूती चेक कर ली है, सीढ़ी पे चढ़ने वाले को ट्रेनिंग दे दी है, नीचे बंदा खड़ा कर दिया है, सारी चीजें हार्नेस पहना दिया है, फुल बॉडी हार्नेस पहना दिया है, उसका हुक भी ऊपर लगवा दिया है, ये लाइकलीहुड कम कर दिया आपने। कॉन्सिक्वेंस भी आपने कम कर दिया कि नीचे आपने खूब मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए हैं कि अगर गिरेगा तो उसी पे गिरेगा, तो चोट कम लगेगी, जहां पर हाथ टूट जाने की संभावना थी वहां पर मोच आएगी लेकिन कम हो जाएगी। तो इन केसेस में आपने लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कम कर दिया है, तो रिस्क कम हो गया है। पहले केसेस के अंदर सीढ़ी टूटी फूटी लगी थी, वर्कर्स ट्रेंड नहीं था, हार्नेस नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो गिरने की संभावना ज्यादा थी। तो आपने कहा था, देख करके ही कहा था, सर अगर इस सीढ़ी के ऊपर ये बंदा जो चढ़ रहा है लटक लटक के काम कर रहा है, ये गिरेगा ही गिरेगा, हम पहले से आपको लिख के दे दें ये गिरेगा बंदा, तो गिरेगा ही गिरेगा एकदम श्योर थे आप। तो आपने कहा था कि 5 देंगे इसको, है ना, कि बहुत संभावित है कि ये बंदा गिर जाएगा, लाइकलीहुड 5। और कॉन्सिक्वेंस में देखा था कि ऊंचाई बहुत थी कि गिरेगा तो ये मर ही जाएगा सर, ये तो इसकी हड्डी पर कई हड्डियां टूट जाएंगी, तो कॉन्सिक्वेंस भी आपने 5 दिया था। तो ऐसे क्या था कि रिस्क जो निकला था 5 × 5 = 25 निकला था, RPN जो निकला था, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर, यानी रिस्क का जो लेवल निकला था वो 25 निकला था, बहुत अधिक निकला था। लेकिन उसी को आपने सीढ़ी को मजबूती से बंधवा दिया, एंगल सही करवा दिया, दूसरी अच्छी सीढ़ी लगा दी, उसको ट्रेनिंग दे दी, उसको खूब अच्छे से उसको हार्नेस बना दिया, हुक लगवा दिया, तो लाइकलीहुड गिरने की संभावना कम कर दी आपने। अब एक कर दिया कि अब शायद, इसके बावजूद शायद ही गिर जाए वो। कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए आपने नीचे गद्दे बिछा दिए खूब सारे, तो गिरेगा तो चोट भी कम लगेगी। तो आपने क्या किया था, पहले 5 दिया था लाइकलीहुड को, कॉन्सिक्वेंस को भी 5 दिया था, अब लाइकलीहुड को 1 दे रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को 2 दे रहे हैं या 3 दे रहे हैं। तो आपने कहा कि अब 2 दे रहे हैं तो 2 × 1 = 2, तो अब कौन रिस्क लेवल कितना था, 25 था। आपने क्या किया, कंट्रोल मेजर लगा करके उसको क्या कर दिया, 2 पे ले आया। तो आप 2 पे ले आए तो ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है कि आप 2 पे काम कराइए, रिस्क लेवल बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क के लाइकलीहुड को कम करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो कहा, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ हजार्डस इवेंट और रिड्यूस द कॉन्सिक्वेंसेस या सेवरिटी, या रिड्यूस बोथ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे लाइकलीहुड को कम करिए, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस को कम करिए, या दोनों को कम करिए। तो ये निर्भर करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है। अब सीढ़ी तो हम दूसरी प्रोवाइड करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सीढ़ी है ही नहीं, उसी सीढ़ी से काम करना है, तो रिसोर्स की कमी हो गई। गद्दे तो बिछाना चाहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस कम कर ले, लेकिन नहीं है हमारे पास, तो रिसोर्स का होना आवश्यक है। एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना संभव हो सके उतना कम करिए, कानून का पालन होना जरूरी है। तो ये कंट्रोलिंग द रिस्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे वर्कर्स वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स एट हाइट विदाउट फुल बॉडी हार्नेस एंड रेलिंग विल इंक्रीज द चांस ऑफ फॉलिंग डाउन।
कहा कि एक वर्कर जो है जो चल रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप देख सकते हैं फुल बॉडी हार्नेस पहन रखा है इसने, तो इसके गिरने की संभावना कम है ना। और दूसरे केसेस में देखेंगे कि एक वर्कर चल रहा है, उसने हार्नेस भी नहीं पहन रखा है, प्लेटफॉर्म पे रेलिंग भी नहीं लगी हुई है, तो उसकी जो चांसेस हैं गिरने के वो ज्यादा है, तो लाइकलीहुड इसमें कम है, इसमें लाइकलीहुड ज्यादा है। फिर दूसरी बात, कॉन्सिक्वेंस की बात कही कि इसकी ऊंचाई 7 मीटर की है तो लेस सीरियस है, 7 मीटर से गिरेगा तो कम चोट लगेगी, और इसकी हाइट 25 मीटर है तो 25 मीटर से गिरेगा तो मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा हजार्डस इवेंट पे, तो हाइट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस कम हो गए। अगर यहाँ पर स्नेक है, एक सांप है, तो यहाँ पर काटने की संभावना भी ज्यादा है और इसके पॉइजन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर इसको उठा करके बंद कर दिया, स्नेक को बंद कर दिया, शीशे के अंदर बंद कर दिया, तो काटने की संभावना तो आपने कम कर दी है, लेकिन इसका पॉइजन जो है वो अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस वही बना है ना। अब इसके दांत निकाल दिए जाएं, इसकी जहर की थैली निकाल दी जाए, पॉइजन की फ्लैंक्स निकाल दिया जाए, दांत निकाल दिया जाए, झिल्ली निकाल दी जाए, तो क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस भी कम हो जाएगा। तो कहीं पर लाइकलीहुड, अब यहाँ पर इस केसेस के अंदर आपने घटना के घटित होने की संभावना को कम किया है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हैं। अगर शीशा हटा करके हाथ लगा दिया जाए और ये काटेगा तो जहर अभी भी उतना ही, यानी कि घातक परिणाम वही आएगा। तो लाइकलीहुड तो कम किया है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर वही बना हुआ है। आप जानते हैं कि हम लोग रिस्क को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मेजर हायरार्की कैसे यूज करते हैं, एलिमिनेट द हजार्ड, रिड्यूस द हजार्ड, एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं हो सकता है तो रिड्यूस करने की कोशिश करिए। जैसे एक ऑयल रखे हुआ था जो ज्वलनशील था, जलने वाला, आग पकड़ा देता, वो 5 लीटर रखने की क्या आवश्यकता है, आप 1 लीटर में आप आधा लीटर रखिए, है ना, आप 1.25 लीटर रखिए, तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। फिर आइसोलेट कर देते हैं पीपल फ्रॉम द हजार्ड, हजार्ड को अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया, बीच में एक बैरिकेशन प्रोवाइड कर दी, चाहे वो दीवार बना दी, चाहे वो लोहे की रेलिंग लगा दी। फिर कंट्रोल एक्सपोजर टू द हजार्ड, वही चीजें कि इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा करके एक्सपोजर को कम कर दिया आपने, जैसे जाता तो डैमेज ज्यादा होती तो गार्ड लगा दिया तो अब डैमेज नहीं होगी। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को प्रोवाइड कर दिया, इंस्पेक्शन है, ट्रेनिंग है, वर्क परमिट सिस्टम है, ये सारी चीजें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट होता है, सेफ सिस्टम वर्क में आ जाती है, यानी वर्क परमिट सिस्टम है जो भी आप लगाते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो सारी चीजें इसी के अंदर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर आ जाती हैं। फिर पीपीएस को प्रोवाइड कर दिया आपने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया। तो इलिमिनेट करने का मतलब है कि जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तार था और वो जो ट्रिपिंग हजार्ड कॉज कर रहा था, तो आपने वायरलेस यहाँ पर लगा दिया, तो वो हजार्ड ही इलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। रिड्यूस का मतलब कम कर दीजिए, जैसे कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स है किसी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो जहां पर कोई भी इक्विपमेंट ऐसा है जो 230 वोल्ट का है, अगर वही काम 110 वोल्ट का कोई इक्विपमेंट कर सकता है तो आप उसको हटा दीजिए और 110 वोल्ट वाले मशीन को लगा लीजिए यहां पर, तो रिड्यूस कर दिया आपने। आइसोलेट का मतलब है कि मशीन का घूमता हुआ हिस्सा था, पार्ट था, उसमें आपने गार्ड लगा दिया, फिक्स गार्ड लगा दिया, तो आपने इसको आइसोलेट कर दिया। यहाँ पर घूमता हुआ हिस्सा था, आपने उसको आइसोलेट कर दिया। रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीनरी को आपने आइसोलेट कर दिया। एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर डस्ट एक्सपोजर कंट्रोलर लगा दिया यहाँ पर, कि जैसे धूल उड़ेगी वैसे पानी वाला एक कटर लगा दिया कि जिसमें पानी भी निकल रहा था काटते समय, तो डस्ट को एक्सपोज कर लिया। ये यहाँ पर कोई ऐसा आपने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जो पूरे के पूरे डस्ट को खींच के लेके जा रहा है, तो एक्सपोजर कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ तक के हम लोगों का रिस्क असेसमेंट था। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यहीं से हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को स्टार्ट करते हैं।